सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। सभी भाइयों को अपने YouTube चैनल फार्मर अश्वनी चौधरी पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। भाइयों, आज की जो वीडियो है ये गेहूं के लिए स्पेशल वीडियो है। किसान भाई की जो फसल है, गेहूं की जो फसल है, उसमें ये दो या तीन टेक्निकल लगा दो आप और फिर गेहूं की बम्फर पैदावार ले सकते हो आप। ये मैं आपसे 100% दावा करता हूँ। किसान भाइयों, बहुत कम खर्च में आप बहुत अच्छा उत्पादन गेहूँ का ले सकते हो। तो मेरे किसान भाइयों, मेरी वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ ये कौन से तीन टेक्निकल हैं जिन्हें आप लगा के अपनी गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। और मैं गेहूं भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने ये प्रैक्टिकल किया है। एक तो ये गेहूं है, देख लो भाइयों, और मैं एक दूसरा गेहूँ जिसमें मैंने एक बार ट्रायल करा था वो भी दिखाने जा रहा हूँ। आप गेहूँ में ज़रा फ़र्क देख लियो। इस गेहूँ में अभी तक नहीं लगा ये टेक्निकल, और जो दूसरा गेहूँ है उसमें ये लग चुका है। तो आप बताना कितना अंतर है। तो जरा अब हम शुरू करते हैं। रविंद्र भाई से पहले रुक जाओ। भाइयों देख लो, ये हम मिला रहे हैं एक ढक्कन, दो ढक्कन, भाइयों ये जो टेक्निकल है मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है सागरी का प्राकृतिक समुद्रीय उत्पाद, आप देख सकते हो इफ़को का। भाइयों ये बहुत अच्छी चीज़ है, और मैंने एक मिलाई है भी ये नैनो यूरिया। किसान भाइयों दो हो गए हैं, और जो सबसे मैन है एक देख लो, ये आपको दिखा रहा हूँ, आप भली भांति इससे परिचित होंगे। ये देख लो, यो ह्यूमिक एसिड है भाइयों इफ़को का, बहुत ही सस्ता और बहुत अच्छा टेक्निकल है ये। तो ये भी ज़रा मिला रहे हैं, देख लो भाइयों। तो भाइयों ये हमारे तीन टेक्निकल हो गए हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, नैनो यूरिया, सागरिका और ह्यूमिक एसिड। किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल में इन तीन टेक्निकलों को लगा दो और गेहूं का उत्पादन ले सकते हो बम्फर। ये मेरा आपसे दावा है, हकीकत है, और मेरा खुद का प्रैक्टिकल करवाया, मेरा खुद का अनुभव, मेरा तजुर्बा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इन खेतों में अभी तक नहीं लगा है ये, और जिस खेत में लगा है मैं आपको दिखा रहा हूं उसके कैसे रिजल्ट हैं, आप देख के आप बताना। भाइयों देख लो, हम इन तीन टेक्निकल की स्प्रे करा रहे हैं, मैंने आपको बताया था, और मैं आपको ये गेहूँ दिखा रहा हूँ, देख लो क्या शानदार गेहूँ है ये। इस गेहूं में भाइयों मैं आपको जो दिखा रहा हूं, और वो पहला गेहूं दिखाया था आपको, आप बताइए मैंने इस गेहूं में ये यूज करा था, तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। वो हम स्प्रे करवा रहे इन तीन टेक्निकलों की, मैंने आपको बताया था, देख लो भाइयों क्या शानदार गेहूं की फसल है। इसमें भाइयों मैंने कोई यूरिया कुछ नहीं लगाया, और अब एक स्प्रे की यही कर रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा पीला पड़ने से सारे ख़त्म कर देगा, यो देख लो एक स्प्रे ही का कर रखा है यार। भाइयों आपके सामने गेहूं खड़ा है, और गेहूं के किल्ले देख लो, जड़ों में क्या छत्ता सा जड़ रहा, देख लो तो। भाइयों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताइयो, और आपको हमारे जो ये तीन टेक्निकल हमने आपको बताए हैं ये स्प्रे में, दो स्प्रे इनकी कर दियो भाइयों, किसान भाइयों गेहूं के मोज बांध देगा, इतना अच्छा टेक्निकल है। क्योंकि किसान भाइयों इस टाइम जो ये अंधाधुंध हम यूरिया डाई ये चीज गिरते हैं, इनसे जमीन में कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, ऐसी बात नहीं है मेरे किसान भाइयों। आप स्प्रे करो, कोई सी फसल है अच्छे रिजल्ट आते हैं, स्प्रे समय समय पर करो जाओ। तो भाइयों देख लो,
तो भाइयों आपसे भी बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। भाइयों इस वाले खेत में अंतर दिखा रहा हूँ, इस वाले खेत में अभी तक ये यूज नहीं करा गया। ये किसान ने यूरिया घेरा था इस पर, अब आप देख लो एक बार यूरिया किसान ने ऐसे ही बखेर दिया सल्फर, और ये दूसरा पानी किसान ने दिया है इस खेत में। और इन खेतों में एक बार ये टेक्निकल मैंने पहले यूज कराया, आप फर्क देख लो। तो भाइयों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। भाई एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ भाइयों, आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइयो। गेहूँ बताइयो, गेहूँ कैसे लग रहे, कोई कमी हो वो बताइयो आप। ये गेहूँ बगैर इस मेरे टेक्निकल के किसान की अपनी राय के हैं, और ये हमने अपने खेत में ये टेक्निकल यूज करे हैं। भाइयों देख लो क्या गजब के गेहूँ हैं, मैं अपने किसान भाइयों को दिखा रहा हूँ, देखो। और भाइयों मैंने अभी इससे पहले दूसरे गेहूँ भी दिखाए थे, और इनमें मात्र जो गेहूँ में फ़र्क है, गेहूँ में इसमें 10 दिन का फ़र्क है गेहूँ में केवल। लेकिन किसान ने अपने वहाँ कहने लगा मैं तो भाई यूरिया और वो घेरूँगा सल्फर। हमने वो देख लो इसमें नैनो यूरिया भाइयों सागरी का, मैं आपको बताए हैं ये छोटे छोटे बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगाए हैं हमने ये। और आप देखो अपनी राय ज़रूर बताइए भाइयों गेहूँ को देख के। एक बराबर में भी गेहूँ है किसान भाई का, इस भाई ने भी सल्फर वगैरह ही लगाया था इसमें, देख लो यूरिया का एक कट्टा फेंक दिया था इन पड़ोसी ने तो। और भाइयों हमने अपने गेहूँ में आज हम दूसरा स्प्रे कर रहे हैं, देखो। तो भाइयों आप ये ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारे ये टेक्निकल कैसे लगे। सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।